अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट कुकिंग। स्टूडेंट कुकिंग में आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू चिकन बिरयानी। बारबेक्यू चिकन बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं बासमती, और इन्हें 30 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। इसके अलावा 1 किलो चिकन लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें मैं 1 कप योगर्ट डालूंगी, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, 4 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून तंदूरी कलर है। अगर तंदूरी कलर ना हो तो ऑरेंज कलर या जर्दे का रंग भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। इसके बाद मैं चिकन को कुक कर लूंगी। जब चिकन गल जाएगी तो लास्ट में मैं बारबेक्यू फ्लेवर के लिए मैंने 1 अदद कोयला लिया, इसे मैं स्मोक दूंगी ताकि अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। ये तो होगा चिकन मैरिनेशन की इंग्रेडिएंट्स। इन तमाम अज्जा को मैं चिकन में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और 30 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। उसके बाद चिकन को कुक करेंगे और कोयले से स्मोक देंगे ताकि अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। इसके साथ ही हम बिरयानी के लिए कोरमा बनाएंगे, और कोरमा बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स मैंने लिए वो आप नोट डाउन कर लीजिए। 3 से 4 अदद बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया। 3 अदद बड़े साइज की प्याज स्लाइस में काट लिए। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 कप हरा धनिया है और 1/2 कप पुदीना है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, 1/2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1 कप कुकिंग ऑयल है। इसके साथ गरम मसाला लिया है। साबुत गरम मसाला में मैंने 1 टेबल स्पून सफेद जीरा लिया है, 7 से 8 अदद साबुत काली मिर्च है, 3 से 4 अदद लौंगे, 2 अदद बड़ी इलायची है और दो तीन स्टिक जो है मैंने दालचीनी के लिए। 1/2 गरम मसाला मैं कोरमा बनाते वक्त डालूंगी और 1/2 जब मैं चावल को बॉईल कर रही होंगी तो उस वक्त डालूंगी। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी आज की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लूंगी, तो इसमें सबसे पहले मैं दही डाल रही हूँ। दही डाल दिए, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन मैंने डाल दिए, अब इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, साथ ही मसाले भी डाल दूंगी। लाल मिर्च पाउडर, चिकन टिक्का मसाला, सॉल्ट, तंदूरी कलर, गरम मसाला पाउडर, तमाम मसाले मैंने डाल दिए। अब अच्छी तरह से चिकन को मसालों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। चिकन में तमाम अज्जा डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे मैं कवर करके 30 मिनट के लिए रख रही हूँ, और इतनी देर में हम अपने चावल बॉईल कर लेंगे। राइस बॉईल करने के लिए मैंने पानी गर्म होने रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और सॉल्ट, और इसे कवर कर दूंगी। जब तक इसमें एक उबाल आएगा इतनी देर में हम दूसरे चूल्हे पर कोरमा तैयार कर लेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें राइस डाल दूंगी। 30 मिनट हो चुके हैं, मैंने राइस बॉईल कर लिए हैं। अब हम चिकन को कुक कर लेते हैं जो हमने मैरिनेट करने रखी थी। चिकन पैन में डालकर मैं दरमियानी आंच पे से रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद हम बिरयानी का कोरमा बनाएंगे। चिकन डाल दिए, इसको मिक्स करके कवर करके रख दूंगी ताकि चिकन गल जाए और जो दही पानी छोड़ेगी वो भी खुशक हो जाए। इसके बाद हम बिरयानी का कोरमा बनाएंगे। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ और इतना पकाऊंगी कि चिकन बिल्कुल गल जाएगी और दही का पानी खुशक हो जाएगा। उसके बाद हम बिरयानी का कोरमा बनाएंगे। चिकन
चिकन मैंने कवर करके पकने रख दी है, जब तक चिकन पकेगी इतनी देर में हम कोरमा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी पतीले में, ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज डाल के इसे मिक्स करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। उसके बाद हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, मैं लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा प्याज पे। फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी, मसाले डालूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इस स्टेज पे मैं इसमें साबुत गरम मसाला डालूंगी। इसको एक दो मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी। इसके साथ ही इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भी एक दो मिनट में फ्राई करूंगी ताकि इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है, अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसके अंदर मैं मसाले डालना शुरू कर दूंगी। गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्ची, नमक, धनिया और हल्दी पाउडर दोनों डाल दिए मैंने। इसको मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट में इसे फ्राई करूंगी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए मसालों का। तीन से चार मिनट मसाला डाल के मैंने भून लिया है। इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डाल के इसे मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और इसे कवर कर दूंगी ताकि टमाटर गल जाए और मसाला अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद हम आगे गर्म करेंगे। सब मैं इसे कवर कर रही हूँ। चिकन को मैंने कुक होने रख दिया था, चेक कर लेते हैं। चिकन गल चुकी है बिल्कुल। अब मैं इसमें बारबेक्यू फ्लेवर दूंगी और कोयला मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। तो पहले मैं इसमें कोयला रखूंगी और 2-3 ड्रॉप इस पर मैं ऑयल के डालूंगी और इसे कवर कर दूँ। चिकन गल गई थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया और कोयला रख के इसमें 3-4 ड्रॉप मैंने ऑयल के डाले ताकि अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए स्मूथ से। 5 से 6 मिनट बाद मैं लिड हटा लूँगी और चिकन को सेपरेट कर लूँगी और जितना मसाला बचा होगा वो हम कोरमे में डाल देंगे जो हमने भी कोरमा बनाया है। 7 से 8 मिनट हो गए, अब मैं लिड हटा के कोयला निकाल लूँगी इसमें से। बहुत अच्छे से इसमें से बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। कोयला हम हटा देंगे और चिकन को मैं डिश में निकाल लूँगी। ये हम जब चावलों में लेयर देंगे तो उस वक्त मैं चिकन लेयर में डालूँगी। इस तरह मैं सारा चिकन निकाल लूँगी इसमें से। तमाम चिकन मैंने एक अलहदा डिश में निकाल लिया है, इसे हम लेयरिंग के वक्त में डालेंगे। और बाकी जितना मसाला ये बचा है इसे मैं कोरमे में शामिल कर दूँगी। इस कोरमे में मैं चिकन का मसाला शामिल कर दूंगी। सारा बचा हुआ मसाला मैं इसे कोरमे में डाल दूंगी। तमाम मसाला मैंने इसमें डाल दिया, अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी और 7 से 8 मिनट के लिए मैं इसे दोबारा कवर कर दूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। फिर हम मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। राइस मैं बॉईल कर चुकी हूँ और साथ ही में मैंने लेयर्स लगानी है और
बिरयानी को डालते हैं। तब मैं इसे कवर कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मसाला पक जाए, टमाटर और मिल जाए। बिरयानी के चावल बॉयल हो गए थे तो मैंने उस पर ड्रेन कर लिया था। कोरमा भी बिल्कुल रेडी है, 7-8 मिनट मैंने कोरमा पकाया और उसके बाद खूब अच्छी तरह से उसे भून लिया है। अब हम बिरयानी की सम्बलिंग करेंगे। फर्स्ट लेयर मैंने चावलों की डाल दी है, उसके ऊपर मैं कोरमा डालूंगी। कोरमा डाल दिया, इस पर हरा धनिया पुदीना डालूंगी और 2 अदद हरी मिर्चें जो मैंने रखी थी वो भी डाल दूंगी। डाल दिया हरा धनिया पुदीना, इसके ऊपर मैं चावलों की लेयर डालूंगी। सेकंड लेयर चावलों की डाल दी मैंने, इसके ऊपर अब मैं चिकन डालूंगी। सारा चिकन काटने के बाद लास्ट में मैं इसमें जर्दे का रंग डालूंगी। 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग है और 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल के मैंने अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लिया। अब ये मैं इसमें डाल दूंगी। मैं इसे कवर करके दम पे रख दूंगी। जर्दे का रंग मैंने डाल दिया है, अब थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऊपर से डालना है। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ। 5 मिनट में तेज आंच पे पकाऊंगी, इसमें स्टीम आ जाएगी। उसके बाद 10 मिनट में धीमी आंच पे दम देकर और बस इसे सर्विंग डिश में निकाल दूंगी। 15 मिनट हो गए, मैंने बिरयानी को दम पे रख दिया था, अब चेक कर लेते हैं। अच्छी स्टीम आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है इसमें बारबेक्यू की। बस अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे सर्विंग डिश में निकाल देंगे। स्टूडेंट कुकिंग में आज हमने चिकन बारबेक्यू बिरयानी बनाई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बारबेक्यू का। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेशन में अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। स्टूडेंट कुकिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।